मुंबई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं अमित शाह जी एक रैली को संबोधित करते हैं, करेंगे हजारों की तादाद में यहां पे कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यहां पर पहुंचे हुए हैं। इस समय हम अमित शाह देश के गृह मंत्री संबोधित करेंगे अपने समर्थकों और अपनी यहाँ पर जनता को। इस समय के दृश्य हम आपको लाइव बता रहे दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस, और साथ ही साथ जो सुरक्षा है हमारे सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से तैनात है। और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं जो कि सामने लाया था, और मैनिफेस्टो में कहीं ना कहीं कई खुशी की बात थी, क्योंकि जो महिलाएं थी सीनियर उन्हें 18,000 रुपए जो सालाना उन्हें दिया जाएगा, जो घर की वरिष्ठ जो सदस्य होंगी महिला। और वहीं पर आप इस समय देख रहे हैं हजारों की तादाद में यहां पर जो कार्यकर्ता और समर्थक है भारतीय जनता पार्टी पहुंचे हुए हैं। अपनी जगह परंतु जब वहां से घोषणा होती है पेंशन की, महिलाओं के बात की, रोजगार की, तो उत्साह कितना देखता है। ये फर्क है पीडीपी एनसी कांग्रेस हमारे बीच में। उनका मैनिफेस्टो अलगाववाद की बात करता है, हम पूरे देश के साथ जोड़ने को लेकर करते हैं और पूरे कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाने की बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर, रोजगार के मामले में। सर, महिलाओं को 18,000 रुपए जो सीनियर वरिष्ठ होंगी उन्हें 18,000 रुपए सालाना मिलेगा, साथ ही साथ जो वृद्ध यानी कि ओल्ड एज पेंशन की बात करें या हैंडीकैप पेंशन की बात, उसे भी बढ़ोतरी की बात की गई इस मैनिफेस्टो में। आप सर एक पॉइंट देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो इस मैनिफेस्टो में है पंडित दोगरा जी के नाम से जो हम रोजगार की स्कीम चालू करने वाले हैं। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप बाकियों का मैनिफेस्टो पढ़ो, वो 375(a) की बात करते हैं कि हम लाएंगे, वो ये बात करते हैं कि हम किस प्रकार से पाकिस्तान से रिश्ते ठीक करेंगे, हम पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, हम जो लोग आतंकियों के बच्चे हैं या आतंकियों के रिश्तेदार को नौकरियां देंगे। हमारा है कि हम सब आवाम को नौकरी मिले इसकी बात कर रहे हैं, सब आवाम की चिंता कर रहे हैं। एक सवाल सर आरपी सर, मैनिफेस्टो में उम्मीद थी कि डेली वेजर का कुछ होगा, होमगार्ड को कुछ खुशखबरी मिली। ये कोई ये मैनिफेस्टो है, सरकार आने पर सब करेंगे, हो जाएगा, पक्का होगा। समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा ये पूरा सभा जो है, आप देख रहे हैं समय। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। और जिस तरह से हमने आरपी सिंह सर से भी पूछा कि क्या लगता है डेली वेजर को, उन्होंने कहा ये हो जाएगा, अब मैनिफेस्टो में क्या हो जाएगा क्या नहीं। मेरे माताएं और बहनें, मेरी लाइफ साइड बड़ी है, इस साइड सीट्स हैं, ऊपर ट्रिपल एक्सल डाला है, लेफ्ट साइड डाला है, इस साइड डाला है।
हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और देख लिए किस तरह से यहाँ के जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से उत्साह है। और कल जिस तरह से मैनिफेस्टो आया है और वहाँ पर कई जगहों पे यानी कि राहत दी गई है अगर बात करें, और ये समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं यहाँ के। चलिए जी, समय क्या कहेंगे आप आज के इस कार्यक्रम को लेकर, कितना उत्साह है आज आपको? उत्साह देखने में ही बनता है, कार्यकर्ता सम्मेलन है तो इसमें जितने भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ प्रेसिडेंट्स हैं, वो आए हैं। जिस तरह की आपको पता है कि बूथ जीता तो इलेक्शन जीती, तो आज जो है हम सभी में जो है बहुत उत्साह है, और हम जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी सभी लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे और जो है आने वाले टाइम पे जो है भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। पूरी तरह से 50+ की तैयारी है? जी जी, पूरी तरह से तैयारी है, हमारा उत्साह जो है बहुत बढ़ चुका है। जी हाँ जी, आप देख रहे हैं समय के दृश्य है, कितना उत्साह है। चलिए और भी कार्यकर्ताओं से जाने के। आज मैं ये कहना चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में जो 370 के जैसा कलंकट निकला है, टूटा है, मोदी जी ने 370 तोड़ा, उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर जाके पाकिस्तान को अंदर जाके घुसके मारने में सरकार है, जे 370 तोड़ा और पत्थरबाजू को बिल में घुसा दिया, ये वो सरकार है। तो हम जो सरकार को आने वाला जो इलेक्शन है पूरी कम से कम 30 से ऊपर की सीटें देंगे, ये हमारे जम्मू कश्मीर का लक्ष्य है। और अमित शाह जी आज आ रहे हैं, हमारे डॉक्टर अमरिंदर सिंह जी जो बोल रहे हैं, ये जो आर एस पर से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे बहुमत से हम दोनों सीटें निकालेंगे भारत माता की। धन्यवाद। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं यहाँ के, और साफ लाइव तस्वीरों में आप देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर मंच पर जो बैठे हुए धर्मेंद्र सिंह राणा जी बैठे हैं, अशोक कोल जी बैठे हैं, अरविंद गुप्ता जी और कविंदर गुप्ता जी बैठे हैं, अन्य जो जो सीनियर जो लीडरशिप है वो यहाँ पर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की। और कुछ ही देर में जो अमित शाह जी हैं वो पहुंचेंगे। मंत्री अमित शाह जी का यहाँ पर आगमन होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं लोगों में और कार्यकर्ताओं और नेताओं में, आप देखिए यहाँ पर हजारों की तादाद में, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता और नेतागण पहुंचे, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, जम्मू कश्मीर पुलिस हमारे सुरक्षा बल जो पूरी तरह से तैनात है यहाँ पर मौजूद है। और इस समय की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हम तो मोदी जी और अमित शाह जी का आभार मानते हैं, उन्होंने जो हम जम्मू कश्मीर के लिए दिया है वो कोई और नहीं दे सकता था, हर एक चीज में हर फायदा ही फायदा दिया है। मैं तो लोगों से विनती करता हूँ मैं लोगों से विनती करता हूँ जिन जिन को अपने बच्चों का भविष्य चाहिए वो बीजेपी को वोट डालेंगे और बीजेपी को सरकार बनवाएंगे। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद।
लेकर। ये देखिए जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा पूरा। चलिए मैम के पास आते हैं। मैम क्या कहे? मेरा नाम अनुराधा। क्या कहोगे अनुराधा जी? मैं ये चाहती हूँ कि बाकी सरकार को छोड़कर मोदी जी फॉर एवर आना चाहिए। मुझे बताइए आज जम्मू की जनता स्मार्ट मीटर को लेकर बड़ी परेशानी है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? मैम देखो ये तो सिस्टमेटिकली चल रहा है ना सारा कुछ। पहले बिजली में कटौती और चोरी होती थी, अब वो जो चीजें सारी बंद हो चुकी हैं। तो हम तो इस चीज से खुश है कि अब मीटर लग गया स्मार्ट, जितना बिजली का बिल आता है हर घर के हिस्से में वो बिजली दे रहे हैं सारे। हम तो खुश है, कोई दिक्कत नहीं है। मैम कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी महिलाएं यहाँ पर बैठी, इनसे जानते हैं। चलिए महिला जी आपके पास भी आते हैं, कहाँ से? गिरजा। हाँ जी मैम, आज की इस रैली के बारे में क्या कहेंगे और कल जो मैनिफेस्टो लाया है उसके बारे में? आज की रैली के लिए तो मैं यही एक चीज कहना चाहूंगी कि कहने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हैं कि आने वाला जो टाइम है वो आज ही हमारी विजय बता रहा है। और रही बात मैनिफेस्टो की, तो वो है कि हमने करके दिखाना, जो बोला गया वो किया गया, पहले भी बोला गया किया गया, और जो अब लिखा गया तो डेफिनेट वो किया जाएगा, उसके लिए हमें बहुत खुशी है। थैंक यू। वो देखिए छोटी नन्ही सी बच्ची यहाँ पर खड़े मिट्टी के सारे गंदे हो गए, छोटी नन्ही सी बच्ची है। आगे आ जाओ मैम, हम बोलने के लिए क्या कहेंगे? हम यही बोल रहे हैं कि हमारे देश के लिए जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, स्पेशली नारियों के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा सोचा है। 370 हटाई है, 35 हटाई है, पहले जो महिलाएं थी उनने किया है। चलिए मैम आपका नाम? दिव्या जैन। दिव्या जी क्या कहेंगे आप जिस तरह से कल मैनिफेस्टो जारी हुआ, सीनियर जो महिलाएं घर की वरिष्ठ उन्हें 18,000 रुपया सालाना दिया जाएगा, बच्चों को स्कॉलरशिप कि दीदी जो दो चार सीटें हमें लगे थे नहीं हम हारने वाले, हमें प्रॉब्लम हो रही है, दीदी वो भी ठीक हो गई, दीदी इतना सा मैनिफेस्टो आया है। कुछ मैंने मैनिफेस्टो खुद फोन करके बहनों को बताया कि वहाँ पे देखो आपके मैनिफेस्टो, तो बड़ी खुशी की लहर है। और इस बार सारी सीटें भाजपा ने ही जीती, सरकार ने जीती। मैडम खिलना ही कमल है, कमल ही खिलना है, कमल ही खिलेगा, फूल ही खिलना है, फूल ही खिलेगा, फूल ही खिलेगा। नए जम्मू कश्मीर का आगाज मोदी जी है तो सब मुमकिन है। ये आंटी जी बड़ी देर से कह रही, इनको बुलाओ यार, आंटी जी इनको बुलाइए। ये आंटी जी बहुत आप आइए, आप बड़ी देर से कह रही मैंने बोलना बोलना, और देखिए मोदी जी की वो लगातार बोलना बैठे हुए। आप आओ, आप काफी देर से कह रहे हैं मैंने बोलना है, क्या बोलोगे? हम बोलना चाहते हैं कि मोदी जी सबका साथ दे रहे हैं, उनका साथ आप दो, हमारे साथ सब मिलके जय हिंद जय भारत। मोदी जी सबका साथ दे रहे हैं, उनका कहना है कि मोदी जी का साथ आप देना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहनों के यहाँ जोश करो से चली रहा है पता, महिला इतनी खुश है कि हमें जो भी प्रत्याशी है, हमने हमारा प्रत्याशी पहले दिन से होता है वो है कमल का फूल, उसी को हमने वोट देना। पर ये इस बार जो इलेक्शन है वो सीएम की है, वो प्रधानमंत्री तो बन गए प्रधानमंत्री तीसरी बार भी, इस बार सीएम की है, तो इससे क्या चाहते हैं? जिस तरह का हमारी कार्यशैली रहती है, जैसे हम कार्यकर्ताओं की एमएलए कोई भी बने, हम सोचते हैं कि हम ही एमएलए बने हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लेकिन हमें फिर नहीं आते कि हम प्रधानमंत्री बने हैं। इतना हमारे साथ परिवार, भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, भाजपा एक परिवार है। जब अपना भाई परिवार में विवाद भी देखने को मिले तो होता ही है जी, दो बर्तन बड़े विवाद होते, टिकट दो बर्तन होते, काम भी लगे कि पैसों से टिकट दी गई, घर में दो बर्तन होते खड़क पैराशूट के लोगों को टिकट दी, भाई बहन होते हैं कि घर में दो बंदे यार, तकरार होती है, बिल्कुल घर के अंदर होती है, पब्लिक मैम बाहर करके घर में भी होती है। क्या मैं चाहती हूँ हमारे पार्टी मेंबर रेखा जी जीते, कौन की रेखा जी आगे आए अपने सारे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस समय के दृश्य हम आप दिखा रहे हैं, इधर ही बैठ जाओ, खड़े हो कोई, खड़े रहो खड़े रहो। क्या कहोगे? मैं तो ये कहूंगी कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, और ये जम्मू कश्मीर नहीं, बाहर सुजेतगढ़ नवा शहर सब जगह मोदी 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 ही आया है, और मोदी आएगा तो देश बचेगा, और वरना 2018 से पहले हमारे बॉर्डर वालों की क्या हालत थी वो आज मीडिया वालों से छुपी हुई नहीं है। 2018 से लेके और
मोदी साहब ने हमारा रहना भी बड़ा सुखी किया हुआ है। तो जहाँ मोदी है वहाँ देश है, जहाँ मोदी नहीं वहाँ देश नहीं। सब तो प्रकाश, जहाँ मोदी है वहाँ देश है, जहाँ मोदी नहीं वहाँ देश नहीं। चलिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल ये अभी तक के दृश्य। बिल्कुल रविंद्र राणा जी नहीं दिखे आज इस मंच पर, शायद वो अपनी कैंपेनिंग में बिजी हो गए। उसमें
अभी तीसरी बार जीत गए थे तो मोदी जी के साथ सहयोगी बन के वहाँ पार्लियामेंट में कार्य कर रहे हैं और पार्लियामेंट का कार्य संभाला हुआ है। माननीय बुजुर्गों से मैं आग्रह करूंगा वो मंच पर आकर अपनी बात करें, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखी है। जब गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे हम वो भी आपको जनता को संबोधित करेंगे, वो भी आपके समक्ष रखेंगे कि आखिर किन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, किस तरह से उनकी शब्दावली आम जनता के दिलों तक पहुंचती है, आने वाला समय बताएगा। जो भी होगा हम आपके समक्ष जरूर रखेंगे। अपने कमेंट में सुझाव रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।